आर्थर डैनिंग, जो एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑनर है, उस पर यह एलिगेशन लगाया जाता है कि डैनिंग की कंपनी जो ड्रग्स बना रही है, उन्होंने उसकी ट्रायल रिपोर्ट चेंज करवाई और बाद में उस ड्रग को मार्केट में उतार दिया, जिस कारण उसके कंज्यूम से हॉस्पिटल में कई लोग मारे गए। लेकिन अभी तक FBI भी आर्थर के अगेंस्ट कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई है। आर्थर की गर्लफ्रेंड एमली हाइंस, जो कुछ दिनों के लिए देश से बाहर रहने को कहती है, इसके लिए आर्थर उसे मना कर देता है और एमली को घर जाने को कहता है, क्योंकि उसे कुछ वकीलों से मिलने जाना है। वकीलों से मिलने के बाद आर्थर अपने घर पहुंचता है, जहां उसे एमली नहीं मिलती। तभी उसके फोन पर एक फोटो आती है, जिसमें एमली को किसी ने चोट पहुंचाई है और फोटो भेजने वाला $2.5 million की डिमांड कर रहा है, वो भी 12 घंटों के अंदर ऑक्टेविया गैलरी में। वो अपनी सिक्योरिटी टीम को बुलाता है और अपनी सारी सिचुएशन उनको बताता है। वो सब डिसाइड करते हैं कि आर्थर पैसे लेके ऑक्टेविया गैलरी जाएगा और वो सब आर्थर के पीछे ही रहेंगे। जैसे ही उन्हें किडनैपर का पता चलेगा, वो उसे पकड़ेंगे। आर्थर पैसों से भरा बैग लेकर ऑन टाइम ऑक्टेविया गैलरी जाता है, जहां वो एक पेंटिंग के सामने खड़ा हो जाता है। तभी उसके बगल में एक आदमी आता है। आर्थर को लगता है कि यही किडनैपर का आदमी है, जो उससे सौदेबाजी की बातें कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ साथ उसके पीछे जाता है और सडनली उसके मुंह पर पंच मार देता है और उससे एमली के बारे में पूछता है। दोस्तों, वो किडनैपर का आदमी नहीं था, बल्कि आर्थर जिस पेंटिंग के सामने खड़ा था, वो उसकी डील की बात कर रहा था। वो ऑक्टेविया गैलरी का ऑनर है। असल में वहाँ कोई किडनैपर या उसका आदमी पहुंचा ही नहीं। अगला सीन एक हफ्ते पहले का आता है। बेन कहिल, जो एक वकील है और उसने अपनी लाइफ में बहुत ही मुश्किल केस जीते हैं, इसके अलावा उसकी वाइफ चार्लट, जो डॉक्टर है, उसे कई दिनों से डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है, जिस कारण वो बेन के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही है और इसका असर उन्हें अपने रिलेशन में भी देखने को मिल रहा है। एक शाम बेन सोशल मीडिया पर देखता है कि उसकी 10 साल पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई होती है। उसका नाम एमली हाइंस है। वो दोनों बात करते हैं और मिलने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन बेन एमली से मिलने जाता है। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं, फिर एमली उसे अपने बारे में बताती है कि वो आर्थर डैनिंग के साथ या उसके लिए काम करती है। असल में वो ये सब ना चाहते हुए करती है। वो बेन को ये भी बताती है कि आर्थर का जो ड्रग ट्रायल फेल हुआ था, उसका सारा डाटा उसके पास है, जिसके कंज्यूम से कई लोग मारे गए थे। बेन एमली से कहता है कि अगर उसे वो डाटा मिल जाए तो वो आर्थर के खिलाफ एक मुकदमा लड़ सकता है। एमली उससे कहती है कि अगर उसने ये डाटा लीक किया तो आर्थर को उस पर शक हो जाएगा। बेन कहता है कि वो ऐसा सिस्टम कर देगा कि आर्थर और बाकी सब लोगों को लगेगा कि ये डाटा कहीं और से लीक हुआ है। वो एमली के अपार्टमेंट में जाता है और वो सारा डाटा एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेता है, जिससे आर्थर और उसकी कंपनी बर्बाद हो सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेन अपने बॉस चार्ल्स अब्राहम से मिलता है। बेन उसे बताता है कि आर्थर ने ड्रग रिपोर्ट के ट्रायल को बदलकर अपनी मेडिसिन को FDI से मंजूरी दिलाई थी, लेकिन अब उसके पास आर्थर के खिलाफ कई सबूत हैं, जिसके कारण वो उसके खिलाफ मुकदमा लड़ना चाहता है। असल में दोस्तों, चार्ल्स ने भी आर्थर के खिलाफ बहुत पहले केस लड़ा था और वो हार गया था। इसी कारण से वो बेन को कहता है कि तुम्हें इस केस को ध्यान से लड़ना होगा और अगर वो केस हार जाता है तो उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। बेन अपने केस की तैयारी शुरू करने लगता है। इसी बीच उसके ऑफिस का दोस्त उसे ये केस के लिए वॉर्न भी करता है, क्योंकि बेन एक बिलियनर के खिलाफ केस लड़ रहा है, जिसकी वजह से उसे या उसकी वाइफ को भी खतरा हो सकता है, लेकिन बेन ये केस लड़ना चाहता है। बेन अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने जाता है, तभी उसे एक हेडमैन से धमकी मिलती है कि वो ये केस लड़कर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। अगर वो ऐसा करता है तो ये उसके या उसकी वाइफ के लिए आगे चलकर ठीक नहीं होगा। तभी बेन अपनी वाइफ के पास जाता है, जो एक लड़की से बात कर रही है। वो एमली हाइंस है। एमली चार्लोट को बताती है कि वो बेन की स्कूल फ्रेंड है। वो बेन के साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे 10 साल बाद आज ही उससे मिल रही हो। बेन घर आता है और अब उसे केस को लेकर बहुत टेंशन होने लगती है, क्योंकि इसको लेकर अब उसे थ्रेट मिलने लग रहे होते हैं। वहीं एमली किसी आदमी से अपने आप को चोट पहुंचवाती है और अपनी फोटो क्लिक कर आर्थर को भेज देती है, वो भी $2.5 million की डिमांड के साथ। असल में एमली को किसी ने किडनैप किया ही नहीं, बल्कि यह एमली की चाल है आर्थर से पैसे लेने के लिए। इवनिंग में बेन एमली के अपार्टमेंट में जाता है और वो देखता है कि वहाँ एमली को किसी ने मार दिया है। वो ये देखकर बहुत परेशान और डर जाता है। वो उसका फोन चेक करता है, जहाँ ऑक्टेविया गैलरी वाला मैसेज है। बिना पुलिस को या किसी को इन्फॉर्म किए उसके अपार्टमेंट से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त एमली की पड़ोसन उसे देख लेती है।
वो अपने घर आता है। वो अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है कि वो एमिली से उसके साथ मिलने से पहले से मिलता आ रहा है, ऑर्थर वाले केस के बारे में भी और अब एमिली के हुए मर्डर के बारे में भी। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे लग रहा है कि शायद ऑर्थर ने ही एमिली को मरवाया है डाटा को लीक करने की वजह से। दोस्तों एक हफ्ता निकल चुका है। बेन ऑक्टेविया गैलरी जाता है जहाँ ऑर्थर गैलरी ओनर के मुंह पर पंच मार देता है। बेन अपने एक दोस्त को फोन करता है जो हैकिंग वगैरह जानता है, जिसकी मदद से बेन एमिली का सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करवा देता है ताकि उसका और एमिली का किसी भी तरह का कनेक्शन ना हो। उसी दिन बेन की मीटिंग ऑर्थर डैनिंग से होती है। वहां पर चार्ल्स और उनकी लीगल टीम भी मौजूद है। असल में ऑर्थर बेन से इस केस पर सेटलमेंट करने आया है और अब बेन जिस परेशानी में फंस चुका है उसे देखते हुए वो सेटलमेंट के लिए रेडी हो जाता है, जिसमें वो 30 करोड़ उन लोगों को देगा जो मेडिसिन की वजह से मारे गए, 10 करोड़ उस वकील को देगा जो केस लड़ रहा है या था। बेन अपने घर जाता है और जैसे ही वो बेडरूम में एंटर होता है उसे शॉक लगता है क्योंकि उसके बेडरूम पर एमिली हाइंस की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो उस बॉडी को ठिकाने लगाने की सोचता है तभी उसके घर पुलिस आ जाती है। उसे मजबूरन अपना घर वैसे ही छोड़कर जाना पड़ता है और पुलिस को एमिली की डेड बॉडी मिल जाती है और इस मर्डर का जिम्मेदार बेन को माना जाता है। अब बेन शहर में छुपता छिपाता फिर रहा है। बेन सबसे पहले अपने दोस्त से एक गन लेता है और अपनी वाइफ को फोन करता है क्योंकि अभी बस उसे ही पता है कि बेन ने किसी का भी मर्डर नहीं किया है। चार्लट हॉस्पिटल में है और वो हिटमैन उसको फॉलो कर रहा है जिसने कुछ दिन पहले बेन को केस वापस लेने की धमकी दी थी। बेन ऑर्थर के घर जाता है। वो उससे कहता है कि उसके खिलाफ बेन के पास जितने भी सबूत हैं वो उसे दे देगा, लेकिन ऑर्थर बेन को जिस झूठे मर्डर के इल्जाम में फंसा रहा है वो उसको इस परेशानी से निकाले। ऑर्थर बेन को कहता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि ऑर्थर ने एमिली को नहीं मारा और ना ही किसी को ऐसा करने के लिए भेजा है। और दोस्तों ऑर्थर ये बात सच कह रहा है, एमिली को किसी और ने मारा है जिसका पता आपको वीडियो के एंड में चलेगा। बेन की ऑर्थर के साथ बात नहीं बन पाती और वो वहां से जा रहा होता है तभी वो हिटमैन बेन पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ टाइम बाद उसकी आंख एक चर्च में खुलती है जहाँ उसकी वाइफ को भी उस हिटमैन ने पकड़ रखा है। बेन अपने पैर की रस्सी खोलने की कोशिश करता है तभी वो हिटमैन आता है और बेन की वाइफ चार्लोट पर चक्कू से हमला कर देता है। इतने में बेन अपने पैर से रस्सी काट लेता है और इस हिटमैन से फाइट करता है और फॉर्चुनेटली इस बार वो हिटमैन को हरा देता है और अपनी वाइफ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद बेन अपने हैकर दोस्त को फोन कर कुछ सीक्रेट फाइल्स के बारे में बताता है जो उसे हिटमैन के लैपटॉप से मिली है। वो अपने दोस्त की मदद से उन फाइलों को एक्सेस करना चाहता है। कुछ टाइम बाद बेन एक रेस्टोरेंट में चार्ल्स एब्राहम से मिलने जाता है। सबसे पहले वो उससे पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। असल में दोस्तों वो हिटमैन चार्ल्स का अकाउंटेंट था जिसके लैपटॉप में चार्ल्स के सारे काले कारनामों के सबूत थे और चार्ल्स ऑर्थर के लिए काम करता था। यही कारण है कि उसने पहले बेन को केस छोड़ने को कहा था और जब बात नहीं बनी तो केस का सेटलमेंट करवा लिया। बेन को पता चल चुका है कि चार्ल्स ही असली गुनहगार है, इसलिए उसने आने से पहले पुलिस को उसके खिलाफ सारे सबूत दे दिए थे और कुछ देर में पुलिस चार्ल्स को गिरफ्तार करने आ जाती है। चार्ल्स पुलिस वाले की गन छीन लेता है और गन पॉइंट बेन की तरफ करता है, लेकिन उसे पता है कि बेन को मारने से भी उसे कोई फायदा नहीं होगा, उसकी जिंदगी जेल में ही कटने वाली है, इसलिए वो अपने आप को ही गोली मार लेता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि हिटमैन ने ही एमिली को मारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बेन सारे एलिगेशन से आजाद है। उसे अपनी वाइफ की ड्रेस से एमिली के परफ्यूम की खुशबू आती है और ये बात वो अपनी वाइफ से पूछता है। उसकी वाइफ बताती है कि एक दिन वो एमिली से बात करने गई थी। उसे सकता कहीं एमिली का रिलेशन उसके पति के साथ तो नहीं है, और इस बातचीत के दौरान एमिली चार्लेट को थप्पड़ मार देती है। इस पर चार्लेट एमिली को धक्का दे देती है जिससे उसका सर टेबल पर टकरा जाता है और वो मर जाती है। चार्लेट ने ये इंटेंशनली नहीं किया है, लेकिन टेबल से टकराने के बाद वो उसे बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एमिली के दिल की धड़कन का बंद होना चार्लेट के दिल के लिए सुकून की बात थी। सो दोस्तों इस तरह मूवी का एंड होता है। आई होप सो आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।